बहुत बड़े पॉलिटिशियन है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, रात में 1:05 बॉलीवुड स्टार गोविंदा आईसीयू में एडमिट है। दरअसल उनके साथ बहुत ही बड़ा हादसा हो गया है और रिवॉल्वर साफ करते वक्त मिसिंग फायर हुआ और उनके पैर पर जाकर गोली लग गई है। यहां पर गोविंदा आईसीयू में हैं और गोली लगने की वजह से वह घायल हैं और ये घटना मंगलवार की सुबह 4:45 के आसपास की बताई जा रही है। वह सुबह कोलकाता जाने के लिए निकल रहे थे, उसी समय गलती से रिवॉल्वर मिसफायर हो गई और ऐसे में एक्टर को क्रिटी केयर हॉस्पिटल मतलब अस्पताल ले जाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। और गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने समाचार एजेंसी NNI के मतलब वो बताया और अभिनेता ने वहां कोलकाता जाने के लिए तैयार मतलब हो रहे थे और वह अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर को केस कर रहे थे और वह तभी उनके हाथ से बंदूक गिरी और गलती से गोली चल गई। डॉक्टर ने गोली निकाल दी है और उनकी हालत ठीक है, वह अभी अस्पताल में ही है। मैनेजर ने कहा कि भगवान की कृपा है कि गोविंद जी को केवल पैर पर चोट लगी है और कोई भी चीज मतलब सीरियस नहीं हुई है। और बताया जा रहा है कि घर पर उनकी पत्नी नहीं थी और आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस घटना को सुन उनकी पत्नी सुनीता आहूजा मुंबई में ही नहीं थी और अब ऐसी घटना सुनते ही वह मुंबई के लिए निकल चुकी हैं और जल्द ही वो उनके पास पहुंच जाएंगी। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।